आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर को लार्ज प्रोजेक्ट जो जिला मंडी में पड़ता है आउट के साथ साथ वहाँ तीर्थ नदी भी होती मिलती है और ब्यास नदी भी, तो आज सवेरे 6:30 बजे उन्होंने सिल्ट छोड़ दी है जो कि कल 18 तारीख तक 6 बजे तक वो निकालते रहेंगे। इससे पहले मैंने उनको लेटर लिख दिया था कि ये समय नहीं है क्योंकि आजकल जो है लार्जी में ट्राउट फिश की जो ब्रीडिंग होती है वो हो रही है और वो बंद है 1 नवंबर से 28 फरवरी तक। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि सर्दियों में सिल्ट क्यों छोड़ रहे हैं। ये प्रश्न ये होता है बरसात जब होती है उसमें ज़्यादा पानी होता है और उसमें जो है सिल्ट छोड़ी जाती है जिससे नुकसान कम होता है, और जो जहाँ जहाँ ये सिल्ट गई अब जो पानी छोड़ा गया तो जितने भी ये ब्रीडिंग सेंटर होते हैं मछलियों के अंडे देती है वो भी तबाह हो गए, और जिनके रहने के जो उनकी अपनी एक छुपने की जगह होती है वो भी तबाह हो गई क्योंकि पानी कम होता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि बरसात में ये जो सिल्ट होती है जोर के जो पावरफुल पानी होता है उसमें बह के चली जाती है, और सर्दियों में ऐसा होता है कि ये सिल्ट रुक जाती है जिसका फ़ायदा माफियों को होता है। तो ये पक्का है कि वो माफिया रेत माफिया से मिले हुए हैं, और उसमें मैं जिलाधीश से भी चाहूँगा मंडी से कि इस पर एक मामला गंभीर है और इन्होंने NOC कहाँ से ली है, यदि इन्वायरमेंट बोर्ड से NOC ली है या फिशरी डिपार्टमेंट से ली है तो वो भी जाँच का विषय है। पानी के जीव जंतु है जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं वो प्रभावित होते हैं, उनके अंडे खराब होते हैं और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नीचे जंगली जानवर हैं दूसरे जो इस पानी को पीते हैं उसका नुकसान होता है, पीड़ी जगह खतरा रहता है, यहीं से कई बार सप्लाई भी होती है जैसे मंडी टाउन है और भी कई जगह है और ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सरकार से चाहूँगा कुछ ऐसा नियम तो बने हुए हैं सब कुछ है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं चाहूँगा इसको स्ट्रिक्टली इस पर जांच बिठाई जाए।